नमस्कार दोस्तों, सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 8 अगस्त का करेंट अफेयर। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, 1 अगस्त 2020 को कौन सी कंपनी दुनिया के सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरामको, ऑप्शन नंबर सी एप्पल, ऑप्शन नंबर डी क्वालकॉम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी एप्पल। एप्पल का संस्थापक दोस्तों स्टीव जॉब्स हैं। इसका हेड क्वार्टर USA कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर किस अरब देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी कतर, ऑप्शन नंबर सी जॉर्डन, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी दोस्तों अबू धाबी है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर दुबई है। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर खलीफा बिन जायद अल बहम हैं। यहाँ का PM मरियम बिन रशीद उल मकतुम है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए 5 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 4 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 3 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 6 अगस्त। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 6 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 6 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का था दोस्तों, हाल ही में यून मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं, पर वह किस देश के हैं। ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का था दोस्तों, हाल ही में विलियम कर्क इंग्लिश का निधन हुआ है, वह कौन थे। ऑप्शन नंबर ए गायक, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी पत्रकार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का था दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों दुनिया का सबसे ऊँचा पुल बनाया जा रहा है, जो करीब करीब 467 मीटर ऊँची है, जो नर्मदा नदी चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है, जो एफिल टावर से 35 मीटर करीब ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों, किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी ICIC बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 8। क्वेश्चन नंबर एट का था दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए राधाकृष्ण माथुर, ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी मनोज सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का था दोस्तों,
किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। यहाँ महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है दोस्तों। यहाँ का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ का CM उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी चौथा। पहला स्थान दोस्तों US का है, सेकेंड स्थान चाइना का है, थर्ड स्थान UK का है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो का लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।